संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। जो काम में नगर पालिका में एक एमसी नहीं बन सकते वो विधायक बनेगा। और आपका वोट होगा, हमें ना तो दाल फ्राई खिलानी, ना वोट चाहिए, पैसा चाहिए, अपना वोट अपना कुछ गिर लेंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। ये प्रस्ताव पास है या नहीं है? क्यों भी बनना नहीं बनना, आप खड़े करके बताओ कितना बनना चाहते हो। बहुत कहा था इस देश में 2024 में मोदी को रिप्लेस कोई करेगा, दलित करेगा। मैंने 2019 में कह दिया था कि देश में 2024 में प्रधानमंत्री दलित होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। मोदी जी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले, 22 करोड़ 90 लाख 23 करोड़ मान लो, और कांग्रेस को कितना मिले? 11 करोड़ 94 लाख। टोटल मिला के कितने हो गए? 23 करोड़ और 12 करोड़ 35 करोड़। तुम कितने हो भाई? 27 करोड़ 65 लाख। अगर आप पूरा 10% 20% 25% इनमें भी नहीं होगा, 75% अगर वोट दे दे, 25 करोड़ वोट आप प्रधानमंत्री को बढ़ेगा। आप अपने बात करें 24 मारा है 27 करोड़ लोग तैयार हो जाओ, सारा काम छोड़ दो, एक टाइम रोटी खाओ। अगर ये सारी मांगे ये कर देंगे पूरा अप्रैल तक, ये तो आपका बच्चे आपके आप में से चुनूंगा मैं, आप में से एक एक आपके चुनूंगा। बताओ देखो एमएलए बनो, जो गांव में नगर पालिका में एक एमसी नहीं बन सकती वो विधायक बनेगा। कोई टिकट के पैसे नहीं, टिकट थैलों में टिकती है ना, कुछ नहीं, खाली टिकट होगी आपकी। और आपका वोट होगा, हमें ना तो दाल फ्राई खिलानी, ना वोट चाहिए, पैसा चाहिए, अपना वोट अपना खुद गिर लेंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। ये प्रस्ताव पास है या नहीं है? क्यों भी बनना नहीं बनना, आप खड़े करके बताओ कितना बनना चाहते। बहुत बढ़िया, तो हमने कहा जी थोड़ा सा उन्होंने बिजली दे दो, नहीं तो हम आगे का प्रबंध खुद कर लेंगे। तो ये मोदी जी खट्टर साहब के पास है, या तो तुम भाई ऐसा कर लो, नहीं तो हम अपना प्रबंध खुद करने जा रहे हैं। उसके बाद आज गुलाबी कार्ड की बात है, हमने पहले कहा था आप सोने के बिस्कुट बांट दो, जमीने बांट दो, पट्टे बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो गुलाबी कार्ड क्यों बांटी भाई, नहीं कहना चाहिए था। गुलाबी कार्ड की शर्त क्या है? 50,000 इनकम होनी चाहिए। मान लिया आप में से किसी 50,000 से इनकम है क्या बताओ? अरे एक महीना सावन, एक महीना हाड़ी, दो महीने का काम मिलता है पूरे साल में, वो भी बंद कर दिया नरेगा का। जब से मोदी जी आए हैं पूरे कोई दावे के साथ कह दे एक महीना काम चला 2014 से नहीं करता, तो अगले 5 साल में पैसे खा गए साथी कह रहा देख लो, ठीक है ना। हमने ये कहा भैया हमें गुलाबी कार्ड बना के दे दो, कोई समस्या नहीं है। अगला हमने क्या किया, एक और हमने कौन सुन जा रहा था अगली काम, देखो बड़ी काम की चीज है, ध्यान से छोड़ खेती करो, फिर मेरे को ना ये कह गया दुर्घटना बीमा योजना। क्या है दुर्घटना बीमा? आप नहर में नहर के पानी जाते हो सफाई करने, जाते हो नहीं जाते हो? कितने लोग आप खड़े करते हो? जाते हैं छोड़ में जाओ जलफंदी निकालने जाते हो, झाड़ियों में जाके करते हो, कोई कीड़ा काटा वो अपना गोबर कीड़ा लगा दे आज के ना, तो क्या होगा अनावा ना। अगर कोई दुर्घटना कर जाए अपना तो कमाओ काम करने वाला करे कहते चले जाएगा बेटा, जो तुम दौड़ के पास छोड़ने आओ कोई तो रोटी अपने टावर में देखो। लेकिन सरकार देखो बंदा वापस नहीं आता 10 लाख से, लेकिन जख्म पे मरम लग जाते, इसलिए 10 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, आप खड़े करें समर्थन करो, ये हमारे दुर्घटना का बीमा, ठीक है। अब उसके बाद भूमिहीन बने का मुद्दे, वो प्रधानमंत्री आवास योजना फिर कह दिया। हमने कहा भाई जो इंदिरा आवास योजना नरेंद्र मोदी है ना, पुरानी बोतल में नहीं सही है, पुरानी क्या बोलते, पुरानी बोतल में लेवल बदलता है। इंदिरा आवास योजना थी बहुत बड़ी आवास योजना थी, इन्होंने कहा जी मैंने तो प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी, कभी भी तू राजा है कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का है। लेकिन भाई इसमें फायदा क्या है, 2.5 लाख दूंगा, अपने को 2.5 लाख रुपए दिखे,